हेलो गाइस, वेलकम टू कैनन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियो के एंड वाले पार्ट में होती हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो को टाइम निकाल कर आराम से देखें। एंड मैं ये गारंटी देता हूं कि हमारी वीडियो देखने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि हम दिन में 25 से 30 अपडेट्स को कलेक्ट करते हैं और उन्हीं में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स को हम आपको बताते हैं, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। आपको अगर वीडियो को लाइक नहीं करना है तो ना करें, कमेंट नहीं करना है तो ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना है तो ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग के अपडेट्स तो देख लेते हैं लेकिन एंड में काफी जरूरी अपडेट होती है वो आप मिस कर लेते हैं। चलो बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की पहली और सबसे बड़ी अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। जैसा कि आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट देश होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, लेकिन जो बाकी के 10 नॉन परमानेंट देश होते हैं उनकी रोटेशन होती है। हर साल पुराने 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को निकाल दिया जाता है और फिर नए परमानेंट मेंबर्स को चुना जाता है जिनका टेन्योर 2 साल का होता है। अब जो इस साल की वोटिंग हुई है उसमें साल 2025 और 2026 के लिए नए नॉन परमानेंट मेंबर्स की घोषणा हो गई है। एंड ये देश हैं डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया और पाकिस्तान। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने, पाकिस्तान अब साल 2025 और 26 के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नया नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। खबर आ रही है कि यूएन जनरल असेंबली में जो वोटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान को 193 देशों में से 182 देशों ने वोट दिया, यानी 182 कंट्रीज। केवल 11 देश ही पाकिस्तान के खिलाफ थे। 182 कंट्रीज ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया, जबकि पाकिस्तान को बस 124 कंट्रीज का समर्थन चाहिए था। पाकिस्तान का 2 साल का टेन्योर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 को, और उसके बाद फिर बीच में पाकिस्तान 2 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बनेगा, क्योंकि वो भी हर महीने रोटेट होकर सभी देशों को मिलती है, परमानेंट और नॉन परमानेंट सबको। अब इसका मतलब है कि चाइना को भारत के खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना एक साथी मिल गया है, और पाकिस्तान और चाइना ये दोनों देश मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे को उछालते रहेंगे। और भारत जब भी पाकिस्तान के किसी आतंकी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाने की कोशिश करेगा, ये दोनों देश मिलकर उसको रोकेंगे। पाकिस्तान पिछली बार साल 2012 और 2013 के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना था। जो 5 देश बाहर जा रहे हैं वो जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजम्बिक और स्विट्जरलैंड। आज की दूसरी अपडेट आ रही है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल खबर आ रही है कि पिछले कल T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और पाकिस्तान की टीम के बीच जो मैच था उसपे अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है। लास्ट ओवर में अमेरिका की टीम को 15 रन चाहिए थे, लेकिन अमेरिका ने 14 रन मारकर मैच को टाई करवा दिया। उसके बाद सुपर ओवर में अमेरिका ने 18 रन मारे और पाकिस्तान को 19 रन का टारगेट दिया, मगर पाकिस्तान सुपर ओवर में केवल 13 रन ही बना पाया। ये वाकई में क्रिकेट वर्ल्ड की एक बहुत ही बड़ी न्यूज इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका एक टेस्ट प्लेइंग नेशन भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में लगातार 2 मैचेस जीत लिए हैं, पहला कनाडा से और अब पाकिस्तान से। हो सकता है कि अगर अमेरिका बाकी के अपने 3 मैचेस में से एक और मैच जीत जाए तो सुपर 8 में अमेरिका की एंट्री हो जाएगी और पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो जाएगा। यानी अगर 9 जून को भारत पाकिस्तान को हरा देता है तो फिर पाकिस्तान के लिए कुदरत के निजाम के ऊपर बात आ सकती है। वैसे एक फैक्ट आपको ये भी बता दूंगी, अमेरिका की T20 वर्ल्ड कप की टीम के कैप्टन भारतीय मूल के इंडियन बॉर्न मोनाक पटेल हैं, जो कि भारत के गुजरात से आते हैं। आज की तीसरी अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा चुनावों में जीत को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दुनिया के 110 से भी ज्यादा देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई संदेश दिया था, तो अब ये लिस्ट 150 से भी ज्यादा देशों की हो गई है। और अब दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, मुस्लिम देशों के किंग्स, रूलर्स, विदेश मंत्री और भारत में एम्बेसडर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक बधाई दे दी है। और कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टेटमेंट जारी करके तो प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी को खुद ही पर्सनली कॉल करके बधाई दी। जिन देशों के हेड्स ने प्रधानमंत्री मोदी को खुद ही कॉल करके बधाई दी है वो हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, भूटान के प्राइम मिनिस्टर दाशो शेरिंग, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर श्रेता तावसीन, यूरोपियन कमीशन यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो 28 देश हैं उनकी प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीस, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड, भूटान के किंग, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक 16 देशों के हेड से फोन कॉल आ गई है और दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों ने स्टेटमेंट जारी करके मोदी जी को बधाई दी है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश दिया था। अब खबर आ रही है कि भारत सरकार ने मालदीव्स को आउटरीच किया है और 9 जून को जो शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में जो प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू फ्रंट रो में बैठे दिखाई देंगे।
क्योंकि भारत की सरकार ने मालदीव के प्रेसिडेंट को आधिकारिक तौर के ऊपर इन्विटेशन भेज दिया है, जो कि सामने से मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। खबर आ रही है कि मालदीव के प्रेसिडेंट के साथ उनके डेलीगेशन में कैबिनेट लेवल के फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और इकोनॉमिक मिनिस्टर, ये तीनों भी भारत आएंगे। अब क्या दोनों देशों के लीडर्स के बीच डेलीगेशन लेवल के ऊपर कोई बायलेटरल मीटिंग होती है या फिर नहीं, ये तो खैर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि भारत ने और भी कई सारे देशों के डिप्लोमेट्स और हेड्स को इन्वाइट किया है। वैसे आपको याद दिला दूं कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू को अपने देश के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जीत इसलिए हासिल हुई थी क्योंकि उन्होंने वहां पर एक सक्सेसफुल इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, यानी भारत मालदीव से बाहर निकले। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत की सरकार को मालदीव के प्रेसिडेंट को इनवाइट करना चाहिए था या फिर नहीं, या फिर ये वेलकम स्टेप है? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण समारोह की गेस्ट लिस्ट को लेकर। अब कौन कौन से देशों के डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया गया है, ये तो खैर अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन मालदीव के साथ साथ भारत ने कौन कौन से देशों के हेड्स को इनवाइट किया है वो हमें पता चल गया है। खबर आ रही है कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशियस, भूटान, नेपाल और सीशेल्स, इन सब देशों के हेड्स को इनवाइट किया गया है। इन टोटल 7 देशों के नाम नजर आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को और कौन से देश को इनवाइट करना चाहिए था, जो कि भारत का करीबी दोस्त हो? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत, चाइना और ताइवान को लेकर। जैसा कि मैंने आपको पिछले कल की टॉप 10 अपडेट्स में बताया था कि ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई चिंग ते ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बधाई संदेश दिया है, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ताइवान के प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए थैंक्स बोला हुआ था और उनके लिए एक स्पेशल ट्वीट किया था। इसी के चलते चाइना अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो ताइवान को संबोधित करते हुए ट्वीट किया था उसके ऊपर भड़क गया है। चाइना के विदेश मंत्रालय की स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि ताइवान के प्रेसिडेंट जैसा इस दुनिया में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ताइवान कोई देश नहीं है बल्कि चाइना की टेरिटरी है। इस दुनिया में केवल एक ही देश है और वह चाइना। जिन भी देशों के चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो ताइवान के साथ ऑफिशियल लेवल के ऊपर कोई भी इंटरेक्शंस ना करें और पूरी तरह से वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हुए प्रतिबद्धता दिखाएं। चाइना ने कहा कि भारत के इस कदम का वो विरोध करते हैं और उनकी ये स्टार्टिंग से ही पोजीशन है, जो कि भारत इस बात को जानता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत और चाइना के बीच एक हेल्दी और स्टेबल रिलेशनशिप रहे तो वो दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री मोदी को जो बधाई संदेश भेजा था उसमें ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की भी बात की थी। फिलहाल तो खैर इसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। ऑब्वियसली कि भारत सरकार इस समय काफी बिजी है, लेकिन इसी बीच कनाडा ने पिछले कल एक और भारत विरोधी कदम उठाया है। दरअसल कनाडा की हाई लेवल कैनेडियन पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि कनाडा के लोकतंत्र के लिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पहला खतरा है चाइना, सेकंड नंबर के ऊपर है भारत और फिर तीसरे नंबर के ऊपर है रशिया। पिछली बार जब ये रिपोर्ट आई थी उस समय रशिया सेकंड के ऊपर था और भारत थर्ड के ऊपर, और अब भारत ने रशिया को रिप्लेस करके सेकंड पोजीशन हासिल कर ली है। कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ने एक नई रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि उनकी लेटेस्ट असेसमेंट में कनाडा के लिए भारत रशिया से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत की सरकार की कनाडा के अंदर इन्वॉल्वमेंट काफी गुना बढ़ गई है। अब ये चीज देखकर तो मैं एक ही बात बोलूंगा, ये कनाडा बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा कि भारत में जो नई सरकार आई है क्यों ना उसके साथ मिलकर काम किया जाए और दोनों देश एक फ्रेश स्टार्ट दें। आज की 8th अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद ही कॉल की थी, एंड अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान अचानक से भारत के दौरे पर आ रहे हैं। अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई हैं, लेकिन खबर आ रही है कि अमेरिका कुछ डिफेंस डील्स, रशिया यूक्रेन वॉर और साउथ चाइना सी में चाइना को लेकर डिस्कशंस चाहता है, और ये चीज प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन कॉल के ऊपर मेंशन की थी। फिलहाल तो भारत में नई सरकार का गठन होना है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर का भी टेन्योर खत्म हो रहा है, अभी ये भी डिसाइड किया जाना है कि क्या उनको एक्सटेंशन मिलती है या फिर भारत सरकार कोई नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट करती है। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत सरकार से रिलेटेड कुछ की पोस्ट और उनके ऊपर अपॉइंटमेंट्स को लेकर। खबर आ रही है कि सरकार बनाने के कुछ ही हफ्तों के अंदर या फिर कुछ ही दिनों में मोदी जी को कई सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट करनी है। कुछ पोस्टों के ऊपर नया चेहरा भी देखने को मिल सकता है और कुछ को एक्सटेंशन देकर उनका कार्यकाल और भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को किसी का भी काम अच्छा लगता है तो वो हमेशा एक्सटेंशन दे देते हैं। अभी ये सारी इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं। इसके साथ ही न्यू रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ या फिर जो करंटली इस पोस्ट के ऊपर रवि सिन्हा सर बैठे हैं उनको भी एक्सटेंशन मिल सकती है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एक नया चीफ अपॉइंट किया जाना है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की भी अपॉइंटमेंट होनी है, क्योंकि अगर अजीत डोवाल सर नहीं मानते हैं तो कोई नया NSA ढूंढना ही पड़ेगा। इसके साथ ही डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट के ऊपर भी नई अपॉइंटमेंट होनी है। फॉरेन सेक्रेटरी भी नए अपॉइंट होने हैं। उसके बाद जो अमेरिका में भारत के एम्बेसडर की पोस्ट है उसके ऊपर भी अपॉइंटमेंट की जानी है। यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पोस्ट के ऊपर भी अभी कोई नहीं है, उसके ऊपर भी अपॉइंटमेंट होनी है।
31 मई को रुचिरा काम्बोज पैम के रिटायर होने के बाद यूनाइटेड नेशंस पे ये पोस्ट खाली है। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत में नई एनडीए सरकार को लेकर, और ये देश की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। रिपोर्ट्स आ रही है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की अलायंस पार्टीज टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सरकार के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्रीज मांगी थी, जिनमें डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात हो रही है। लेकिन अब सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी पार्टी ने ये चार मिनिस्ट्री में से एक भी मिनिस्ट्री टीडीपी और जेडीयू को देने से इनकार कर दिया है, फिर चाहे वो अपना सपोर्ट भी वापस ले ले। अब इस फैसले को देश की सिक्योरिटी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार में एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आते हैं। देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से जुड़े मसलों को यही पांच आपस में मिलकर फाइनलाइज करते हैं। डिफेंस पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मसले या फिर देश के ऊपर कोई भी बड़ा खतरा हो, उसको लेकर क्या अप्रोच होगी, वो भी इसी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में डिस्कस किया जाता है। इस मीटिंग को देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कैबिनेट सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी भी अटेंड करते हैं और सरकार को एडवाइस करते हैं कि सरकार क्या कदम उठा सकती है। अब क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी से भी जुड़ा मामला है, ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कोई भी मिनिस्ट्री किसी भी अलायंस मेंबर को ना देना ये काफी अच्छा स्टेप है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।